चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हाय लोग, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है पांच बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने की। तो पांच हेडलाइंस मैं आपके सामने दूंगा और उन सारी हेडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हेडलाइन नंबर एक होने वाले क्रिकेटर दीपक हुड्डा के बारे में, जिन्होंने बड़ौदा को क्विट कर दिया, वो राजस्थान की तरफ से खेलेंगे हेड ऑफ न्यू डोमेस्टिक सीजन। हेडलाइन नंबर दो होगी चाइना के बारे में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेजेंट्स अपने भेजेंगे अपकमिंग ओलंपिक्स में। हेडलाइन नंबर तीन होगी भारत के इस वक्त लोन जुडोका एथलीट सुशीला देवी, जो कि भारत की तरफ से कम्पीट करेंगे ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बैक करें टू डू वेल इन अपकमिंग मार्क्यू इवेंट। हेडलाइन नंबर चार होगी सात होटल के स्टाफ मेंबर्स टोक्यो में, जहां पे ब्राजीलियन टीम करंटली स्टे कर रही है एट द मोमेंट, वो पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं कोविड-19 से। और हेडलाइन नंबर पांच होगी इंडियन आर्चर्स के बारे में, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ड ताकि वो परफेक्ट शूट कर पाए परफेक्ट 10 इन अपकमिंग मेगा इवेंट। सो शुरुआत करने वाले हम लोग हेडलाइन नंबर एक से, और हेडलाइन नंबर एक की जो शुरुआत होने वाली है वो बहुत सारे क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आएगी। दीपक हुड्डा ने बड़ौदा को क्विट कर दिया है और राजस्थान को ज्वाइन कर लिया है 2021 डोमेस्टिक सीजन से पहले। इस बात की मालूमात डिफरेंट डिफरेंट न्यूज वेबसाइट्स पर हुई है। जो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, आपको बता देते हैं, टसल में आपको बताया कि इन्वॉल्व थे सीनियर ऑलराउंडर से, और वो कैप्टन भी है बड़ौदा के कृणाल पांड्या से लास्ट सीजन में, और उसके बाद से उनको सस्पेंड भी कर दिया था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने। और बड़ौदा से अलग होने के बाद अब राजस्थान की तरफ से खेले दीपक हुड्डा। उन्होंने कहा डेफिनेटली एक सैड फीलिंग है कि बड़ौदा को उन्हें क्विट करना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त उन्होंने बड़ौदा के साथ खेला है। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने कोचेस वेल विशर्स और जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा और मुझे यही सही डिसीजन लगा कि मैं राजस्थान ज्वाइन कर लूं। हुड्डा के इस डिसीजन से बड़ौदा के स्टार, जो कि फॉर्मर भारत के खिलाड़ी भी रह चुके इरफान पठान, काफी अपसेट हैं। उन्होंने कहा कितने क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारा बड़ौदा का है इस तरह से कैसे कैसे अच्छे खिलाड़ियों को क्यों लूज कर रहा है। दीपक हुड्डा बड़ौदा को लीव कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा लॉस है बड़ौदा की क्रिकेट के लिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर दो की तरफ। चाइना जो है, जो कि हमेशा जाना जाता है ओलंपिक्स पे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए और टॉप टीम्स में से आता है जब मेडल की टैली निकाली जाती है, वो अपने 431 एथलीट्स भेजेगा ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में, जो कि 24 डिफरेंट विंग्स में भी कम्पीट करेंगे। और इसमें 24 ओलंपिक चैंपियंस भी हैं लास्ट टाइम के, जो कि इस 2020 के संस्करण में पार्टिसिपेट करेंगे। इस टीम में 298 फीमेल एथलीट्स होंगे, 133 मेल एथलीट्स होंगे, और एक कम्पीट भी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो कर ही रहे हैं। और आपको बता दें 293 इसमें ऐसे एथलीट्स हैं जो कि अपना ओलंपिक डेब्यू कर रहे हैं। और एक जो सबसे चौंकाने वाली बात भी कह सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात भी कह सकते हैं कि इसमें 14 साल के भी एज ग्रुप का प्लेयर चाइना से जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेगा अपने देश को, और 52 साल के खिलाड़ी भी हैं ली जिंगयांग, जो कि कम्पीट करेंगे इक्वेस्टेरियन इवेंट में, जो कि ओल्डेस्ट है ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर तीन की तरफ। एक हैमस्ट्रिंग टियर हुआ था 2018 में, जिसने डिप्रेस पूरी तरह से लिफ्ट कर दिया था एक खिलाड़ी को एशियन गेम्स में, लेकिन उस खिलाड़ी ने उस आप कह सकते हैं कि डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट किया एंड नाउ क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और भारत के लिए आप कह सकते हैं एकमात्र जुडोका की अगर बात करते हैं तो एकमात्र वही एक्सपेक्टेशन है। मैं बात करूं सुशीला देवी की, जिन्होंने कहा कि उस एडवर्सिटी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो इमर्ज करेंगी स्ट्रॉन्गर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स के संस्करण में। और लोन एथलीट हैं भारत की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके उन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, वो बहुत ज्यादा उनको मेंटली टफर और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसी क्वालिटी को वो बैक करेंगे अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स में। बढ़ेंगे हेडलाइन नंबर चार की तरफ, जो हमने बताया था आपको कि कोविड-19 का जो साया है टोक्यो ओलंपिक्स से पहले ही गिरता चला जा रहा है। सात होटल स्टाफ के मेंबर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो में, जहां पे ब्राजीलियन की जो टीम है ओलंपिक की वो स्टे कर रही है, वहां पे टेस्ट हो चुके हैं पॉजिटिव कोविड-19 से। और अभी कुछ ही दिन पहले अगर रिसेंटली हम बात करें तो थॉमस बैच, जो कि आईओसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था मेक श्योर करेंगे कि सारी सेफ्टी और हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे और जो ओलंपिक्स है वो सही तरीके से होगा। लेकिन अगर केसेस इसी तरह से आते रहेंगे ओलंपिक्स के स्टार्ट होने से पहले तो ये बहुत खतरे की घंटी है। मैं आपको बता देता हूँ 31 स्ट्रांग ब्राजीलियन ओलंपिक डेलीगेशन जो था वो बाया बबल में स्टे कर रहा है, और उसको अब जब केसेस सामने आए हैं तो जिनको जो पॉजिटिव टेस्ट हुए उनको बाकी लोगों से सेपरेट कर दिया गया है। बट ये न्यूज जो है वो ओलंपिक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। बढ़ेंगे हेडलाइन नंबर पांच की तरफ। जितने भी भारतीय आर्चर्स हैं वो पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं परफेक्ट 10 शूट करने के लिए अपकमिंग मार्क्यू इवेंट में, और
जिस तरह से दीपिका कुमारी ने रिसेंटली पेरिस में टूर्नामेंट जीते हैं और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर वन के साथ ओलंपिक्स में आ रही है, इंडिविजुअल इवेंट्स की हम बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का भार बढ़ गया है। एवरी आर्चर के लिए आपको पता है परफेक्ट 10 एक मोस्ट सॉट आफ्टर स्कोर होता है, और अगर आपको मेडल जीतना है तो समवेयर अराउंड जो आपकी पॉइंट्स होने चाहिए आपको 60-70% एरोज जो है वो 10 रिंग पर मारने होते हैं। अब ये देखना होगा किस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, हालांकि अच्छी चीज है जो उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग अभी से चल रही है हेड ऑफ कमिंग ओलंपिक्स, कि उनका उनकी जो कोशिश है वो है 10 रिंग को हिट करने की, और 10 रिंग को हिट करने का मतलब है श्योर शॉट मेडल अगर आप 70% तक उसको हिट कर पाते हैं पर्टिकुलर गेम की अगर हम बात करें। तो ये थी 5 हेडलाइंस जो मुझे आपको देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, लाइक जरूर दबाएं, अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।